इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई सफाई सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शाने हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मात्र प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी। आपका वो मदमस्त अंदाज में मुरली सुनाना बहुत याद आता है। आपका वो मीठी बहन मीठा भाई कहकर बुलाना बहुत याद आता है। आपका वो बाबा के संग झूमना नाचना और गाना बहुत याद आता है। आपका वो बिन कहे दिल की बात समझ जाना बहुत याद आता है। आपका वो रूहानियत से देखना और टोली खिलाना बहुत याद आता है। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, दादी शब्द का सिंधी में अर्थ होता है बड़ी बहन, परंतु यहाँ जब भी कोई दादी जी से मिलता था तो उसको ऐसा ही लगता था कि ये मेरी वही दादी माँ है, वही ग्रैंड मदर है जिससे दिल की हर बात शेयर की जा सकती है और जिसकी सलाह मशवरा और आशीर्वाद मुझे हर मुश्किल से निकाल सकता है। दादी जी की रूहानी दृष्टि और टोली सभी को निश्चिंत और शक्तिशाली बना देती थी। दादी जी के बारे में और भी अनुभव शेयर करने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी। दीदी जी ने दादी जी के अंग संग रहकर बहुत सेवाएं की। वर्तमान में आप ब्रह्म कुमारीज के जर्मनी और यूरोप में स्थित सेंटर्स के डायरेक्टर हैं। आइए हम दीदी जी से सुनते हैं दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ओम शांति। सबसे पहले दादी जी से के बारे में हम जाने उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस संस्था के साथ जुड़े, क्योंकि आप इतने सालों से, जहाँ मैं पढ़ रही थी कि आप 50s में बाबा के पास आए और इस ज्ञान को समझा, तो कैसे आपने ये डिसाइड किया कि ये परमात्मा का ज्ञान है और मुझे भी अपना जीवन इसमें समर्पित करना है। मैं 57 में जी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आई जी। मैं उस समय BA फाइनल कर रही थी जी, और मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था जी। मेरी एजुकेशन एक्चुअली बहुत फास्ट हुई थी जी जी। अभी एज मेरी सिर्फ 16 साल की थी और मैं ऑलरेडी BA कर रही थी। वो भी एक गिफ्ट थी कि इतने जल्दी मेरा एजुकेशन हो चुका था जी जी। तो बाबा दिल्ली में आए हुए थे ओके। और हमारी कॉलेज फ्रेंड ने और हमारी लौकिक मासी मासी हमारी ज्ञान में थी जी। और फ्रेंड कॉलेज में कभी ऐसे मुझे अच्छी लगती थी समाज सेवा की बातें या धार्मिक बातें, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आपको ये बातें अच्छी लगती हैं, आप बेशक चलना हो तो आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है ओके। तो उस समय बाबा दिल्ली से पास कर रहे थे हाँ। पर मुझे यही मालूम था कि ये ब्रह्मा कुमारी इसके गुरु जी आए हुए हैं हाँ। और वो दिल्ली में हैं इसलिए बुला रहे हैं। तो मैं दिल्ली में ही थी एक्चुअली, हम दिल्ली में थे उस समय। तो पहला मेरा मिलन ऑफिशियली ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाना, और उस समय जब मैंने बाबा को देखा
वो भी बाबा को एक साधारण व्यक्ति नहीं देखा जी, बाबा को एक लाइट की बॉडी में देखा जी। क्योंकि मुझे जब बुलाया था तो जब हम पहुँचे तो बहनों ने कहा कि ये ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है कथा सुनने का, जब से कथा तो मैं पहले भी सुनने जाती थी, उन्होंने कहा कि ये तो एजुकेशन है और जैसे इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा आपको जो पहले दिन आने वाले व्यक्ति को जी। तो हमारी एक्चुअली हमारे लोग एक मदर मासी के साथ पहले जा चुकी थी जी। तो वो भी हमारे साथ गई थी घर से, पर उनको उन्होंने जाने दिया था, छत पर क्लास होने वाला था, सितंबर का मंथ था, इवनिंग टाइम जी। मैं बिल्कुल सीढ़ियों के पास ही बैठी थी और बाबा तब तक वहाँ नहीं थे उस समय। हम जैसे मंद किसी भी सत्संग में मन मेडिटेशन होता है तो बैठ जाते हैं, परंतु वो तो हमने समझा था कथा कीर्तन होगा, तो कुछ साइलेंस है एकदम, तो हमने आंखें बंद में हमने नहीं देखा बाबा किस समय आके क्वाइटली बैठ गए। अच्छा, फिर जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा ये महात्मा जी किस समय आए, कोई आवाज़ नहीं, कोई जय गुरु जी महाराज, जय महात्मा जी, बाबा तो एकदम साइलेंस में जी। तो वो जो बाबा का देखा रूप तो मुझे लगा ये सन का जो फोकस रिफ्लेक्शन, यानी ये कहाँ से लाइट इनके ऊपर आ रही है, अगर सन का सूरज का प्रकाश है तो इनके ऊपर ही क्यों है, आसपास क्यों नहीं किसी पर। तो मैंने जगह चेंज की, एक जगह से दूसरी जगह बैठी तो भी बाबा की बॉडी लाइट की बॉडी दिखाई पड़ी और उस लाइट में एक विशेष आकर्षण था। बहुत अच्छा लगता था देखने का, जैसे कि कोई ट्रांसलाइट में चीज, अब समझ में आता है ट्रांसलाइट यानी क्या, परंतु वो उस समय ट्रांसलाइट शब्द नहीं था मेरे पास, क्योंकि ऐसे सिर्फ लाइट की बॉडी देखी, आसपास लाइट देखी। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने पिंच किया अपने आप को कि मैं बराबर जाग रही हूँ, उठ के एक जगह से दूसरी जगह गई और आकर्षण से लगता था कि ये कोई दूसरी लाइट नहीं है पर आंख देख रही है जी, बिल्कुल फीलिंग बहुत अच्छी है। तो आंख बंद किया, आंख बंद किया तो मुझे ऐसे जैसे मून लाइट मेरे अराउंड, वो मून लाइट फीलिंग, तो जैसे बच्चों का खेल होता है आंखें बंद करना और खोलना आंख मिचोने, आंखें खोलती हूँ तो बाबा को लाइट में देखती हूँ और बंद करती हूँ तो अपने आप को मून लाइट के एरिया में, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कूलनेस है जी। तो आनंद बहुत महसूस हो रहा था, जैसे कोई सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम है, पसीना आ रहा हो, ठंडी हवा का झोंका बॉडी को टच करे तो सुहरन सी महसूस होती है। तो मुझे वो अंदर की ऐसी इतना आनंद की सुहरन थी, इतनी आनंद की लहर थी जो समझ में नहीं आए कि ये क्या हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है और विश्वास भी नहीं हो रहा था जी। तो मैंने सोचा मेरी मदर शायद कुछ जादू तो नहीं कर रहे महात्मा जी, जी। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि हमारी मदर कहाँ बैठी है। तो जैसे ही मैंने ढूंढा, यानी मेरे कॉन्शियस में ये वर्ल्ड में मैं हूँ और बॉडी का रिलेटिव संबंध में आया, आते ही मेरी वो जो फीलिंग थी वो चेंज हो गई। फिर मुझे वो बाबा की बॉडी लाइट नज़र नहीं आई और ऐसे ही बाबा बैठे और कुछ बोल रहे हैं, तो मैंने समझने की कोशिश की तो कथा कुछ समझ में नहीं आई कि कौन सी कथा कर रहे हैं, मुझे तो यही पता था कि उसी शास्त्र की कथा कर रहे होंगे जी, लाइट ही लाइट शब्द बोल रहे थे। तो वो एक्सपीरियंस भी गुम हो गया और ज्ञान भी समझ में नहीं आया। तो हमने सोचा हम मदर को इशारा देते हैं कि चलो, वो मदर तो इतनी एब्जॉर्ब थी उसमें, इतना अच्छा आनंद ले रही थी, उनका चेहरा चमक रहा, जैसे पहले मेरी अपनी फीलिंग थी, अब मैं देख रही हूँ कि वो सुन रही हैं कुछ, उनको कुछ समझ में आ रहा है और वो आनंद से हर्षित हो रही हैं। तो अब मेरे को बोरिंग लगा टाइम, मैं तो कुछ नहीं समझ रही हूँ अभी, तो इंतज़ार किया जब तक वो ख़त्म हो गए। घर में गए, रास्ते में मदर से शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, तो उन्होंने, और मैंने कहा पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या महात्मा जी ने बोला, उन्होंने कहा उन्होंने तो इतनी अच्छी बातें सुनाई, लाइफ का पर्पस क्या है, हम कहाँ से आए हैं,
हम आत्माओं का असली घर कहाँ पर है। परंतु फिर वो कहती, पर मुझे तो कोई लाइट नज़र नहीं आई। हाँ। तो उनको लाइट नज़र नहीं आई और मुझे ज्ञान नहीं समझ में आया। जी जी। तो दोनों एक ही स्थान पर हैं, परंतु एक्सपीरियंस अलग था बिल्कुल। जी, जी। तो दूसरे दिन उस मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बताया कि आपको मालूम है कि भगवान खुद लाइट है और वो उस समय बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, कोई भगवान ने आकाशवाणी नहीं की, वेदर इतना अच्छा था। हम भगवान तो जब बोलते हैं तो आकाशवाणी होती है, तो गुजगो आकाश गूंजता है, बिजली चमकती है। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की पर मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो अगर बोलेंगे, किसी के शरीर में आएंगे तो बॉडी जो है ना वो सहन नहीं कर सकेगी, भस्म हो जाएगी। जी। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा आवे और अपनी शक्ति से किसी की शरीर को भस्म कर देवे तो उनको परमात्मा कैसे कहेंगे। जी। तो उन्होंने, मैंने कहा पर दी ऑल माइटी अथॉरिटी जो मेरे पास कौन सब था भक्ति का। हाँ। मैं उसी उससे बोल रही थी। तो उसने कहा नहीं, परमात्मा की शक्ति कोई किसी के शरीर को भस्म करने की नहीं है। तो मेरे हाथ में हैंडकरचीफ करचीफ था। हाँ। उसने कहा कि अगर ये आपका हैंडकरचीफ गिर जावे तो आप उठाएंगे यूज़ करने के लिए। मैंने कहा हाँ, धुलाई करके यूज़ कर लूँगी। हम उस समय तो टिश्यू नहीं यूज़ करते थे, हैंडकरचीफ ही यूज़ करते थे। जी। तो कहा कि कितनी शक्ति चाहिए आपको इसको उठाने की। तो मैंने कहा शक्ति क्या, मैंने ऐसे ही हाथ उठाया, मैं क्या शक्ति चाहिए। मैं बड़ी एंथुजियास्टिक थी जब मैं जवाब देने में। जी जी जी। तो मैंने कहा क्या शक्ति चाहिए एक पीस ऑफ पेपर को उठाने में। तो कहा, बड़ी गंभीरता से उन्होंने कहा कि आप 20 किलो वजन उठा सकती हो। मैंने कहा मेरे बाहों में मसल्स हैं, मेरी स्ट्रांग मसल्स हैं। कुली जब सामान ट्रेन में छोड़ के जाते हैं, सोने की जगह बनानी है तो हम तो सेट कर लेते हैं। तो मैं यूज़ कर सकती हूँ अपनी बाहें। तो उन्होंने मुझे कहा कि रुमाल उठाते समय आप क्यों नहीं अपनी मसल्स को यूज़ करती। मैंने कहा, सुभाष उनका नाम था, बहन का नाम। मैंने कहा सुभाष क्या बोलती हो, मैं रुमाल उठाऊं और ऐसे उठाऊं कि मैं 20 किलो वज़न उठा रही हूं और मेरे चेहरे से लगे मैं वज़न उठा रही हूं जबकि मैं एक छोटा सा टुकड़ा उठा रही हूं, तो लोग तो समझेंगे मैं पागल हूं। हाँ जी। तो वो कहती है सुदेश, तुम समझती हो भगवान पागल है। जी। जब तुमने एक छोटा सा पीस उठाना है तो शक्ति नहीं चाहिए। जी। और सूट केस उठाना है तो मसल यूज करनी है। जी जी। तो भगवान को जब अपने बच्चों के साथ बात करनी है तो वो बिजली क्यों चमकाएंगे, इतना जोर से क्यों बोलेंगे और शरीर किसी का क्यों जलाएंगे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे ये कोशिश करके समझाने चाहा कि वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, लाइट है, ये तो मुझे समझ में आ गया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हुआ था। जी, जी। पर ऑलमाइटी हैं और वो माइट ऑर्डिनरी है, ये बात नहीं समझ में आई। तो फिर भी मैंने कहा अच्छा वो लाइट कहाँ से आती है। कहे वो तो आती है और जाती है, परमानेंट उनके पास, उनके तन में नहीं रहती। जी, है जी। तो दूसरे दिन मैं गई इसी क्यूरियोसिटी से कि आज मैं आंखें बंद करके नहीं बैठूंगी। हाँ। मैं आंखें खोल के बैठूंगी और जब वो लाइट प्रवेश करेगी तो मैं देखूंगी कैसे प्रवेश करेगी। खैर बाबा तो तब तक चले गए थे, वो पास कर रहे थे और लास्ट दिन था। जी। तो फिर इस क्यूरियोसिटी से फिर मैं जब आश्रम में आई और मुझे अच्छी बात ये लगी कि पूछ सकते थे क्वेश्चंस। वैसे भक्ति में तो मैं पूछती थी तो पंडित जी को अच्छा नहीं लगता था। अगर उनसे प्रश्न पूछते थे तो वो कहते थे छोटी सी कुमारी क्वेश्चन बहुत पूछती है, डिस्टर्ब करती है। तो जब ये पता चला कि नहीं ये स्कूल है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये तो एजुकेशन है। जी। तो इस बात का इंटरेस्ट कि मैं जान सकूं। हाँ। और समाज सेवा के, कल ही भी मुझे उत्तर मिला, मैं अपनी मासी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आपको समाज सेवा करनी है तो स्पिरिचुअल सोशल वर्कर बनो। हाँ। ये मुझे ब्रह्मा कुमारी मधुबन। आप फिर पहली बार कब आए माउंट आबू में?
माउंट आबू में हम 2 साल के बाद आए, 57 में मैं ज्ञान में आई और 58 के एंड में एक्चुअली एक ही साल में आई। दादी, सभी दादियों के साथ आपका मतलब जो मिलन हुआ, विशेष दादी जानकी से, वो कैसे हुआ, कब हुआ? तो दादी जानकी जी से तो फिर बहुत देर से, क्योंकि वो पूना में थी जी जी, और हम माउंट आबू में आते जाते थे, तो तभी उस समय दादी जानकी, दादी जानकी के नाम से, दादी के नाम से प्रसिद्ध नहीं थी जी। जानकी बहन, और जैसे और बहनें आती हैं जाती हैं, तो बाबा के समय कोई क्लासेस नहीं चलती थी जी। बाबा के समय बाबा की मुरली चलती थी, हम लोग ग्रुप्स लेकर के जाते थे, बाबा से ही मिलते थे, मम्मा से मिलते थे, या बड़ी बहनें हमको कहाँ ना कहाँ ले जाती थी, पिकनिक पर जाते थे, दिलवाड़ा मंदिर जाते थे जी, माउंट आबू आबू शिखर पर जाते थे, ऐसे हमेशा वहाँ की ही विशेषताएं जो बाबा फिर मुरली में सुनाते थे उसका अनुभव करने के लिए जी जी। दादी जी के साथ मेरा अनुभव एक 68 में एक पत्र लिखा था पूना से किसी ने दिल्ली में, और उसमें उन्होंने दादी जानकी का क्लास लिख के भेजा था, जिसमें उन्होंने ये जब हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्या केंद्र की शिक्षा लेते हैं तो हमारे जीवन में कैसे हमको स्वयं पर अपने पुरुषार्थ का स्टूडेंट लाइफ में पुरुषार्थ करना पड़ता है, और उसमें पहले कैसे दे 3 स्टेप उन्होंने लिखे थे, मतलब क्लास कराया था, और क्लास को वहाँ की एक माता इंदिरा बहन थी, उन्होंने वो नोट्स लिख के भेजे थे, उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने वो कोई दिल्ली में जो थे उनके साथ वो पत्र भेजा, शेयर किया, और हमने वो अच्छा लगा। तो पहला स्टेप था कि देह तथा देह के संबंधों से हम न्यारे होते हैं, ये देह तथा देह के संबंध का भान निकल जाता है जी। और दूसरा था कि लोक लाज तथा कुल की मर्यादा, क्योंकि जब हम विघन क्या डालता, दुनिया क्या कहेगी, हमको अपनी देह से न्यारे होने की शक्ति मिलती है जी। और देह के संबंधी भी सहयोग भी देते हैं अगर हमारी धारणा अच्छी है तो, परंतु हमको फिर दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोक लाज और कुल की मर्यादा की सीढ़ी पार करनी पड़ती है जी, जी। और तीसरी होती है अपने मन तथा कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल जी। तो ये 3 स्टेप जो पहले एक गहराई से ज्ञान के, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और आज तक भी बिल्कुल वो शब्द इसी प्रकार से याद है जी। और समझ में आता है प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव की बातें जी। हर एक ब्राह्मण को ये स्टेप्स पार करने होते हैं जी। तो दादी जानकी जी की ज्ञान का जो मंथन चिंतन था जी, जी। वो इतना अच्छा था, लगा तो मेरे को सोचा कि जब दादी जी वहाँ माउंट आबू में आएंगी मैं उनसे मिलूंगी। तो फिर क्या, उस समय बाबा का व्यक्त होना जी जी, क्योंकि बाबा ने मुझे 68 में, मैं जयपुर में रहती थी उस समय, जयपुर म्यूजियम खुला था जी जी, तो जयपुर म्यूजियम से मैं आई थी ग्रुप लेकर के, और बाबा मुझे दिखा रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर बिल्ड हो रहा था उस समय, तो अभी कंप्लीट नहीं था, सिर्फ सीमेंट लास्ट लगना जी, लास्ट जी। पार्ट था, तो वहाँ पर वो मिस्त्री जो है, जो अभी भी मिस्त्री वो है वैसे ओल्ड एज में जी। तो जो सीमेंट और रेत को मिक्स कर रहा था जी, यानी प्लास्टर तैयार करने के लिए जी जी। तो बाबा ने कहा, बच्ची देखो मिस्त्री को इतनी समझ है कि कितने परसेंटेज इसमें सीमेंट चाहिए, कितना परसेंट उसमें दूसरा मटेरियल जो इसको मिक्स करना है जी। तो कुमार कुमारियों की ट्रेनिंग का मतलब, ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन की ट्रेनिंग का मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग, जीवन की बिल्डिंग बनानी है, कितनी मजबूत होनी चाहिए, अगर उसमें रेत ज्यादा मिक्स होगी तो दीवार में दरार पड़ेगी जी जी। तो ऐसे अगर ईश्वरीय शिक्षाओं में व्यर्थ बातें मिक्स हो जाती हैं तो वो शोभा नहीं रहेगी, तो सुंदर जीवन बनाना है, चरित्रवान जीवन बनाना है, तो ये बाबा की उस समय प्रेरणा थी कि हम ट्रेनिंग कुमारियों को देवें जी।
और फिर जो समय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का समय हुआ तो दादी जी उस ट्रेनिंग में, हम तो छोटे ही थे परंतु कुमारियों के हिसाब से हम उनको क्लासेस कराने हैं, भाषण कैसे करना है, मुरली कैसे पढ़नी है, इस प्रकार का प्रैक्टिकल जीवन की धारणाएं किस प्रकार की होती हैं, जीवन बनाना कैसे है जैसे बाबा ने लक्ष्य दिया था, वो प्रकाश में अपनी जानकी दादी जी और चंद्रमणि दादी जी की क्लासेस होती थी। तो उस समय बाबा ने जो कहा था दादी जी को कि जो शिक्षाएं, जो पालना अभी आपने ली है वो दूसरों को देनी होगी। तो दादी जी का देने का कितना एक जीवन बनाने का जो बाबा ने लक्ष्य दिया था वो मैं दादी जी के जीवन से जीवन बनाने की कला ये दादी जी में देखी। फिर विदेश आपका कब जाना हुआ दादी जी के साथ? दादी पहले गए या आप पहले गए सेवा? 74 में दादी गई, 74 में ही हम गए तो लंदन में ही। उस समय यहाँ पर मेला चल रहा था, कुंभ मेला, जिसके लिए बाबा ने एक्चुअली मुझे भेजा था और उसकी तैयारी थी। तो हम थोड़े महीने बाद में आए तो लंदन में दादी जी पहले थी कुछ महीना और मैं 74 उसी ईयर नवंबर में गई थी। तो लंदन में किस तरीके से आपने सेवाएं की दादी जी के साथ? तो जिस समय हम गए तो उस समय एग्जीबिशन चल रही थी। अभी इंडिया का ही सिस्टम होता था, इंडिया वाली ही प्रदर्शनी लगी थी, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल एग्जीबिशन थी, किस नाम से मुझे याद नहीं है नाम क्या था, परंतु वो ही चित्र थे। और दादी जी साथ में जाती थी जब हम जहाँ एग्जीबिशन थी, और वो बैठ के जैसे कि एक एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करना होता है, वायुमंडल बनाने का प्रैक्टिकल स्वरूप देखा कि जरूरी नहीं कि वो गाइड करती, गाइड तो चित्र हमको समझाने दें, और मैं भी नई थी पहली बार तो थोड़ा संकोच तो होता था सुनाने में इंग्लिश में, परंतु जितना था उतना सुना सकती थी। और दादी जी के तो जैसे वाइब्रेशंस अच्छे होते थे तो बाद में लोग फिर दादी इसको बिठाती थी अपने साथ, जो भी आने वाले मुस्करा करके टोली देना है या बात करना है, तो ये साइलेंट सेवा, मनसा सेवा जिसको हम अभी कहते हैं, वाइब्रेशंस से सेवा हम अभी कहते हैं, दादी जी से प्रैक्टिकल जीवन उसी समय ही ऐसे लगता था जैसे कोने में एक अगरबत्ती जल रही है और वो सुगंध जो है जो कोई आता है तो हमको जैसे हम ज्ञान सुना रहे हैं और दादी उस चीज़ के वाइब्रेशंस उनको दे रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल साइलेंस की शक्ति से। और दादी जी चाहते थे कि बाबा उनका नाम चेंज करें क्योंकि सभी दादियों का बाबा ने नाम चेंज किया था, फिर भी बाबा ने नाम चेंज नहीं किया, तो बाबा क्यों उनको जनक बच्ची कहते थे? नहीं, एक्चुअली नाम तो चेंज किया था, लिस्ट में तो सबके नाम के साथ इनका नाम भी है, दादी का नाम भी है। अच्छा, पर दादी को बाबा बाकी सबका नाम यूज़ किया, बोलना शुरू किया। और दादी जी को फिर ये नाम बाबा ने नहीं बुलाना शुरू किया, और दादी ने भी यही था बाबा मुझे जनक बच्ची कहे, क्योंकि उनको कॉन्शियस ही थी मैं ट्रस्टी होके रहूं। जी, और जी। दादी के मन में एक शब्द था जनक, जनक पायल बाजे। जी। मैं वो खुशी थी। तो दादी को अपने नाम की जो वैल्यू थी, नाम का अर्थ सहित मैं ट्रस्टी हूँ, तो था तो धैर्य मणि या कुछ इस प्रकार धीरज में कुछ छा नाम उन्होंने बताया था। अच्छा, उस लिस्ट में भी होगा नाम जो नाम सबके नाम से है, परंतु वो क्योंकि बाबा ने यूज नहीं किया और इन्होंने भी अपना नाम नहीं यूज किया, जनक के नशे से यूज किया, जानकी के नाम से भी नहीं, नाम तो जानकी है, जानकी ही है, परंतु जनक के नाम से ही यूज किया। तो और उसी को हमेशा अपना मोटो बना के रखा कि मैं ट्रस्टी हूँ राजा जनक की तरह, इस संसार में रहते हुए वैराग वृत्ति भी रहे और रॉयल्टी भी रहे। तो दादी के जीवन में रॉयल्टी नेचुरल थी, जेनरोसिटी नेचुरल थी, डिविनिटी नेचुरल थी, तो इसीलिए वो उनको उन्होंने उस नाम को सार्थक किया जो पहले से शरीर बचपन से नाम मिला हुआ था। जी, हमने दादी जी के अंदर एक चीज़ और देखी कि उनका मन बहुत स्थिर था,
और मूडी नेचर नहीं था बिल्कुल भी, किसी के प्रभाव में इतना नहीं आते थे। तो ये दादी कैसे करते थे मन को संतुलित रखना, आजकल के वातावरण में तो पॉसिबल नहीं है। एक तो इनका बचपन का धार्मिक वृत्ति होने के कारण, क्योंकि वो सुनाती हैं कि जब वो 3 साल की थी या 5 साल की थी तो सत्संग तो करते ही थी, अपने फादर के साथ सत्संग में जाती थी, और ये कोई विशेष सत्संग जिनके बाद में भी अब तक भी उनका संबंध रहा, तो उस मंडली से, तो उसमें एक सॉन्ग बजता था जी। जैसे कि मेरा मन जैसे आटा पानी आटे में गुंथ गया, वैसे ही मेरा मन मोहन में गुंथ गया, उस प्रकार से। तो वो बचपन से उनको मन जो है इतना एब्जॉर्ब कर लेवे परमात्मा के नाम को, जी। जैसे आटा पानी में घुल गयो जी, मेरा मन मोहन में मोह गयो जी, जी ऐसा जी। इस प्रकार से उन्होंने सिंधी में ही गाती सुनाती थी। हाँ जी। तो बचपन से अंतर्मुखी रहने का एक उनको वरदान था कहें, अथवा एक संस्कार था। हाँ जी। बहुत किसी के वातावरण में नहीं आती थी, कई तो उनको अपने आश्रम में उनको सन्यासी कहते थे पहले। हाँ जी। और बाबा रमता जोगी कहते थे जी। तो क्योंकि वो अपने रमणीक रीति से जहाँ तहाँ जाना है वहाँ ज्ञान की बातें ही करनी है जी जी, और बाकी सब बातों में किसी व्यर्थ चिंतन में जाना नहीं है। तो जब व्यर्थ चिंतन नहीं है तो नेचुरली प्रभु चिंतन होगा जी, और जब प्रभु चिंतन होगा तो मन ऑटोमेटिकली आकर्षित नहीं होगा कहीं और में, एकाग्र होगा जी। तो एकाग्रता की वजह से और व्यर्थ चिंतन न होने की वजह से कंसंट्रेशन रहा जी। इसीलिए वो जिस समय उनका ये टेस्ट हुआ था ब्रेन वेव्स का, अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई और ये संकल्प भी नहीं किया, ये मशीन मेरे से क्या पूछ रही है जी। अभी 8 सेकंड कम हुआ या ज्यादा हुआ, मैं इस चिंतन में भी क्यों जाऊं। तो वो अपने मन की एकाग्रता का मतलब क्यों, क्या, कैसे में क्या रिजल्ट होगा, ये मशीन क्या कर रही है। दादी जी ने कहा मेरा तो संकल्प भी नहीं चला, मशीन है, मेरी बुद्धि है परमात्मा के साथ। तो परमात्मा की लगन और मन को क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चंस में नहीं जाना है। बाबा ने तो फिर कई सारी मुरलियां चलाई हैं जी, तो जी। वो अपने अनुभव में ये कहती थी, इसीलिए क्योंकि एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती है जी, इसलिए एकाग्रता रहती है और शक्ति वेस्ट नहीं होती है जी। दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स, हम आपको यहाँ जाने नहीं देंगे क्योंकि अगले एपिसोड में हमें और भी बातें आपसे पूछनी है, जाननी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। दर्शकों, दादी जी सदा बाबा के दिल तख्त नशीन होकर रही। देखने में इतनी साधारण लगती थी परंतु गुणों की खान थी। एक गुप्त तपस्विनी बनकर उन्होंने अपना स्थान अष्ट रत्नों में फिक्स कर लिया। दादी जी की विशेषताओं के बारे में और जानेंगे सुदेश दीदी जी से अगले एपिसोड में। देखना ना भूलें, आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, ओम शांति।